क्या बातें चल रही हैं? आप कुछ नहीं प्रीत बहन जी, मैं शनु दीदी से कह रही थी कि कल की पार्टी में मैं वही वाली साड़ी पहनूंगी जो आपने मुझे दिवाली पे दी थी। और कि मान खानदान की बहुएं नहीं सजेंगी तो कौन सजेगा? अच्छा विक्की सुन, गल सुन। पापा जी ना रणवीर के जन्मदिन के साथ साथ गुड्डो के ब्याह की पार्टी भी दे रहे हैं। एक काम कर, बाजार जा, चंगा महंगा जोड़ा गुड्डो ताई खरीद और एक अच्छा सा जोड़ा सुखी के लिए भी खरीद। देखे उन्होंने घर जाके, अरे पहली बार हमारे घर के मेहमान इस घर के दामाद को देखने वाले। टीना से देखा ना कैसे गलती होगी, अगर हमारे मेहमानों को भी वो लगा कि वो हवेली का नौकर है तो फिर। प्रीत बहन जी मैं नहीं जा रहा सुखी के कपड़े लेने, और चल्ले को कुछ भी पहना दो वही लगेगा ना जो उसकी औकात है। साड़ी तो औकात है ना। प्रीत बहन जी आप रणवीर को। चुप रह, तंग ना कर तू मैंने सब। जा जा। उसके जन्मदिन पर गिटार देना चाहती हूँ, पर 500 रुपए कम पड़ रहे हैं, अब बाकी पैसे कहाँ से लाऊं? ले फड़ 500 रुपए। बाबूजी ये किस लिए? ओए पुत्र, हर साल अपने जन्मदिन पे तू यही सवाल करती है और हर साल मैं तुझे यही जवाब देता हूँ कि पुत्र अपने जन्मदिन पे इन रुपयों से जाके कुछ खरीद लेना। लेकिन पुत्र आजकल 500 रुपए में कुछ मिलता ही नहीं ढंग का। आपके दिए हुए इन 500 रुपए में बहुत बरकत है। पुत्र अपने बाबूजी को माफ कर देना। बाबूजी? वो तेरे जन्मदिन पे कभी तेरे साथ ही नहीं होते, तुझे तो पता ही है तेरी माँ का श्राद्ध मेरे वास्ते उसकी यादों का जन्मदिन होता है, इसी करके मैं उसे हर साल मनाता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार तेरे बाबूजी तेरा जन्मदिन मनाएंगे। नहीं बाबूजी, तो क्या हुआ अगर हर साल आप मेरा जन्मदिन मेरे साथ नहीं मना पाते? आपका प्यार, आपका आशीर्वाद तो मेरे साथ है ना। और रही बात माँ की, तो उनकी हर एक याद मेरे लिए उनका एक आशीर्वाद है। भावजी मेरे लिए अपनी खुशी से ज्यादा मेरी माँ की आत्मा की शांति है। भावजी पुत्र एक गिलास पानी तो पिला दे जरा। सोच रही थी जी वो रणवीर के लिए तोहफा क्या लिया जाए। मैं बताऊं आप है ना वीर जी को एक मोटा बैग दे दो। हाय, उन्हें हवाई जहाज ना दे दूं? नहीं 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 नहीं, हवाई जहाज नहीं, हम उसे रखेंगे कहां? कैसी है गुड्डो? अच्छी हूँ। आओ जी सत श्री अकाल जी, बैठो जी। की लोगी जी तुसी? ठंडा शंडा जी। बस गुड्डो तुझे पता है प्रीत बहन जी ने तेरे लिए कपड़े भेजे हैं और तेरे सुखी के लिए भी। चल अब मैं चलता हूँ। बाय वीर जी। अब क्या सब यही खोल कर यही पहन लेगी? अंदर ले जा उन्हें, जा। वाह, इन्हु कहने वड्डे लोग कितना ख्याल रखते हैं जी अपने बेटी और दामाद का। वो ख्याल की बात नहीं है, थप्पड़ मार के गए हमारे मुंह पर। उन्हें तो यही लगता होगा ना कि हम लोग गुड्डों को एक जोड़ कपड़ा भी नहीं दिलवा सकते। फिट्टे मुंह, आपका क्या किया जाए पता नहीं, हर किसी की बात का उल्टा मतलब निकालते हैं। खैर मैं सोच रही थी रणवीर के लिए सोने के बटन ले लिए जाए,
सोने के बटन। मैं तेरे शाही अंदाज के लिए पैसे कहां से आएंगे? वो है ना जी, ये वो गुड्डों के मुंह दिखाए के लिए लोगों ने पैसे दिए थे ना, उसी से खरीद लेंगे। तेरे जो जी में आए कर, मेरे से पूछने की लोड़ नहीं है। गलत फहमी में मत रहिए, पूछ नहीं रही थी, बता रही थी। जा रही हूं, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, उठा लेना। हर जन्मदिन पर रणबीर को तुम्हारा इंतजार रहता है, लेकिन आज आज रणबीर और रानू एक साथ है। ऐसा लगता है जैसे जीने की वजह मिल गई, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें सबसे पहले हैप्पी बर्थडे मैं विश करूं, और मेरे कानों में सबसे पहले शब्द तुम्हारे हो। आज रात ठीक 12 बजे इसी छत पर मैं तुमसे मिलने आऊंगा, मेरा इंतजार करना। रणबीर। Absolutely right, Virat. ये धुन सिर्फ रणबीर की है। माँ सबके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।
तुम्हारे मुंह में क्या छाले पड़ गए? तुम मुझे हैप्पी बर्थडे नहीं बोल सकती? नो। क्यों? क्योंकि टीना रणबीर से बहुत नाराज है। रणबीर तब का था जब टीना सबको लेकर रात के ठीक 12 बजे उसे हैप्पी बर्थडे विश करने उसके कमरे में गई थी। तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? कैसी हो तुम यार? रणबीर जरा इत्थे आए। इत्थे आ रहा हूं प्रीत बहन जी। हर साल की तरह इस साल भी सबसे पहले मैं ही तुझे गिफ्ट दूंगी। एलन। तो रणबीर, ये तो तेरा वही गिटार है ना जो तूने बेच दिया था? इसको वापस खरीदने की क्या सूझ गई तेरे को? अबीर जी, वो मैंने खरीदा थोड़ी है, वो तो रानू ने मुझे। ओ, तो जनाब का पहला तोहफा है। ओ भाई, अब जन्मदिन है तो सुबह से लेकर शाम तक तोहफे तो मिलेंगे, इसमें पूछने की क्या बात है? रजिंद्र पुत्र, टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, पार्टी की तैयारियां शुरू कर दो पुत्र, अपने अपने काम पे लग जाओ। चलो आइए जी, आइए। नमस्ते जी। सब मेहमान आ गए हैं, बस आप ही का इंतजार हो रहा था। वो क्या है जी, गुड्डो है ना, प्यार होने में बड़ा टाइम लगाती है। अब उम्र ही ऐसी है, मैं तो सुबह से ही शाम होने का इंतजार कर रही थी जी। अच्छा जी, ओ कितने है जी थोड़ा शहजादा? हाँ ये लो जी आ गया। ओ नमस्ते जी। नमस्ते जी, जन्मदिन मुबारक हो। एलो जी, ये तोहफा है, दिखने में बड़ा छोटा है मगर है बड़ा कीमती। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। आंटी जी, आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। आपके पार्टी में आने से पार्टी की रौनक बढ़ गई। हम लोग जी ऐसे ही हैं। जी। आओ जी, आओ जी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तुम कहाँ जा रही हो? सब लोग खड़े हैं। रणबीर क्या कर रहे हो? रणबीर मुझे बाहर जाना है। रणबीर, तुम्हें थैंक्स कहना था। थैंक्स? मेरे बर्थडे के लिए, वैलेंटाइंस डे के लिए। मुझे इतना प्यार है, इतना खूबसूरत तोहफा देने का बहुत बहुत शुक्रिया रन। लेकिन अब बारी मेरी है, तुम्हें तुम्हारे बर्थडे का, वैलेंटाइंस डे का तोहफा देने की। ये तोहफा तुम्हें मान खानदान का बेटा दे रहा है। नहीं रानू, ये तोहफा तुम्हें रणबीर दे रहा है, तुम्हारा रणबीर। इसमें इसमें मेरी कमाई है, मेरी मेहनत का पसीना है, जो मेरी रानू को छूके प्यार की खुशबू बन जाएगा। ये दिन मेरा बर्थडे, हमारा बर्थडे, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। जानती हो क्यों? क्योंकि आज मेरे साथ मेरी रानू है, मेरी जिंदगी है। ओए रणबीर, तुझे केक काटना है कि नहीं?
बर्थडे बॉय, केक काटना भी है या नहीं? चलो केक काटो।